विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में नवरात्रा पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने व नवरात्रा पूजन करने यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर न्यास को अब तक चढ़ावे के रूप में कुल 14,54,000 रुपए नगद सोना, 108 ग्राम चांदी, 2 किलो 148 ग्राम प्राप्त हुआ है। वहीं पर जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने भी नवरात्रा मेला के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दर्शन किए और घर परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। जय माता दी। नवरात्रियां वास्ते अज इत्थे मत्था टेकण आए सी, असीं मोहाली तो आए सी, पूरी संगत आई हुई है, लोगों च बड़ा उत्साह है दर्शन करन दे। प्रबंध भी काफ़ी अच्छे किए हुए हैं पुजारियों वालों ते प्रशासन वालों, ते बहुत अच्छा लग्या इत्थे आके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए SP बिलासपुर अशोक कुमार ने कहा कि माता नैना देवी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और मेला सुख शांति से चले और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 400 के करीब पुलिस कर्मी, होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर में नारियल व हलवे का प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने मेले में तैनात पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिस कर्मी एवं होमगार्ड के जवान श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी सहायता हेतु हमेशा तत्पर रहें। जबकि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि इस बार भी जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर है, जिसके लिए CCTV कैमरे के माध्यम से भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं और मेरे DSP हम लोग यहाँ जो शरद मास के नवरात्र हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए आए हैं, और हमने पाया कि जो लोग सभी उपस्थित हैं और लगभग हमने 300 से 400 के बीच में जो जवान लगाए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और अभी आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी नहीं है, वीकेंड में थोड़ी ज़्यादा भीड़ की उम्मीद है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स अलग से उनको प्रोवाइड करें।